अनिल अंबानी जो कभी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में छठे नंबर पे हुआ करते थे, आज के डेट में उनका कहना है कि मेरे पास कर चुकाने तक के भी पैसे नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ जहां एक ओर मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ती ही जा रही है, वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। दरअसल रिलायंस ग्रुप के संस्थापक धीरूभाई अंबानी का निधन 2002 में हो जाता है। उसके बाद से ही दोनों भाइयों में अनबन शुरू हो गई थी और अंत में दोनों के बीच कारोबार का बंटवारा हो गया। दोनों के बीच माँ कोकिला बिन के देखरेख में बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी के हिस्से में परंपरागत कारोबार जैसे पेट्रोलियम कंपनियां लगी तो अनिल अंबानी को टेलीकॉम सेक्टर की अहम कंपनियां दी गई। उस दौर में टेलीकॉम सेक्टर का उभार हो रहा था और माना जा रहा था भविष्य में अनिल अंबानी अपने कारोबार में सिक्का जमा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई क्योंकि 2018 में अनिल अंबानी ने टेलीकॉम सेक्टर को छोड़ दिया, जो अनिल अंबानी के कुल संपत्ति का 66% हिस्सा रिलायंस कम्युनिकेशन में ही था। वहीं दूसरी तरफ यही वह दौर था जब मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से टेलीकॉम में लौटा और धमाकेदार एंट्री की। अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन के अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली रिलायंस कैपिटल और ऊर्जा कंपनी रिलायंस एनर्जी भी थी। रिलायंस कम्युनिकेशन में वे घाटे का असर इन कंपनियों पर भी पड़ा और अनिल अंबानी लगातार कर्ज के दलदल में फंसते चले गए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।